पॉपुलर टीवी शो भाभी जी घर पर है के एक्टर दीपेश भान का निधन हो गया। आपको बता दें कि एक्टर शुक्रवार को क्रिकेट खेलते हुए गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि दीपेश ने भाभी जी घर पर है में मलखान सिंह का रोल प्ले किया था। एक्टर के निधन की खबर पुष्टि शो के असिस्टेंट डायरेक्टर अभिनीत ने की है। साथ ही शो के एक्टर वैभव माथुर ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, अब वो नहीं रहे। इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बोलने को अब कुछ बचा ही नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया था। यहाँ से एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद दीपेश साल 2005 में मुंबई आ गए थे। शो में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाले दीपेश असल में शादीशुदा थे। उनकी शादी मई 2019 में दिल्ली में हुई थी। वही जनवरी 2021 में दीपेश एक बच्चे के पिता भी बन गए थे। भाभी जी शो से पहले एक्टर ने कॉमेडी का किंग कौन, कॉमेडी क्लब, भूत वाला, FIR समेत बिंदास टीवी के चैंप और सुन यार चिल मार जैसे शो में काम किया था। साल 2007 में आई फिल्म फालतू उटपटांग चटपटी कहानी में दीपेश ने काम किया था। साथ ही वो आमिर खान के साथ T20 वर्ल्ड कप के एड में भी नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।